हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी धरती पर जीवित देवता हैं और थोड़े से प्रयासों से ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। जो भी हनुमान जी को दिल से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा व मदद करने जरूर आते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रखें, हनुमान जी की साधना आराधना करने में नियम व संयम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। नियम या संयम में त्रुटि होने पर हनुमान जी दंडित अवश्य करते हैं, दंड अवश्य देते हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहें, सारे दुर्व्यसनों का त्याग करके फिर ही उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी की भक्ति करें। तो दोस्तों, बल बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी, जिनके नाम लेने मात्र से ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं और हर संकट से पार लगाने वाले हनुमान जी के अनेक रूप हैं। और उन्हीं अनेक रूपों में हनुमान जी का एक रूप है वज्र रूप, और इसी वज्र रूप वाले हनुमान जी को बजरंग बली कहा गया है। और हनुमान जी के वज्र रूप को, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। तो बजरंग बली का पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी विधि बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर लेकर आते हैं हम आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के वज्र रूप यानी बजरंग बली के बारे में, बजरंग बाण के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी भगवान का रुद्र रूप है और वायु पुत्र पवन पुत्र होने के कारण वे सब जीवों के प्राण है। वे भगवान रुद्र हैं, अतः सर्वशक्तिमान है। इसका परिचय तो उन्होंने बाल्यावस्था में ही दे दिया था। उन्होंने बालक अवस्था में ही सूर्य को मुंह में ले लिया था, जो किसी के लिए संभव नहीं है। और जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया तो उन्होंने वज्र को ऐसे लपक लिया जैसे बच्चे गेंद या गिल्ली को लपक लेते हैं। और जब देवों ने विनती की तब हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ा, सूर्य को मुक्त किया। तो ऐसे सर्वशक्तिशाली रूप जिसे बजरंग बली कहा जाता है, को प्रसन्न करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, जब जीवन में घोर संकट आ जाए, कहीं रास्ता नजर ना आए, तब बजरंग बाण का पाठ पार लगाता है। सभी संकटों से मुक्ति देने वाले बजरंग बाण के पाठ के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। 5 अनाज से तैयार किया गया दीपक चाहिए आपको। इस दीपक को तैयार करने के लिए आपको 5 अनाज गेहूं, चावल, मूंग, उड़द व काले तिल चाहिए। इन सभी सामग्री को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर इसे पीस लें और फिर इसमें थोड़ा गंगा जल या शुद्ध कुएं या हैंडपम्प का जल मिलाकर इसे भिगोकर इसका दीपक तैयार कर लें। तो इस प्रकार दीपक तैयार होने के बाद इसमें चमेली का तेल डालकर और लाल रंग के धागे से इसकी बत्ती बनाएं। दूसरी वस्तु जो आपको चाहिए वो है गुगुल की धूप अगरबत्ती, क्योंकि बजरंग बली को गुगुल की धूप बहुत पसंद है। और एक गुगुल धूप अगरबत्ती जरूर लेकर आएं, ये बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। और बैठने के लिए आपको कुशा से बना आसन चाहिए। ये एक विशेष प्रकार की घास से बना आसन होता है। यदि कुशा का आसन ना मिले तो आप लाल रंग के आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। बजरंग बाण के पाठ की पुस्तक चाहिए आपको, जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी सामग्री जब तैयार हो तो आपको किसी शांत स्थान वाले हनुमान जी के मंदिर में यह कार्य करना चाहिए। और यदि घर पर आपके पूर्ण शांत माहौल है तो घर पर भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर शुद्ध तन व शुद्ध मन से दीपक व धूप अगरबत्ती जलाइए। फिर कोई संकल्प लीजिए कि मैं मनोकामना पूर्ण होने पर हनुमान जी के निमित्त कुछ करूँगा। तो यह संकल्प लेने के बाद ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। फिर शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि दिल व दिमाग में केंद्रित करते हुए बजरंग बाण का पाठ कीजिए। अब यह बता देते हैं कि बजरंग बाण का पाठ आपको कब करना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बाण अमोक बीज मंत्रों का संग्रह है। यह ब्रह्मास्त्र के समान है, जो कभी खाली नहीं जाते। जिस प्रकार छोटी छोटी साधारण बीमारियों के लिए हाई एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो इनका साइड इफेक्ट भुगतना पड़ सकता है, और छोटे छोटे शत्रुओं के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बजरंग बाण का प्रयोग भी साधारण विपत्तियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जब आप शत्रुओं से, विरोधियों से घिरे हुए हो, बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नजर ना आए, तब ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि आपके व्यापार में निरंतर हानि हो रही है तो विधिवत बजरंग बाण का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का प्रयोग कीजिए। और बजरंग बाण का पाठ शनिवार या मंगलवार
या फिर हनुमान जयंती के दिन कीजिए। और विशेष ध्यान रखिए, यदि आप इन मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते तो फिर यह पाठ आपको नहीं करना चाहिए, यह पाठ मत कीजिए, बल्कि पाठ को सुनिए। संकट की घोर स्थिति में यदि आप सही उच्चारण नहीं कर सकते तो किसी योग्य कर्मकांडी पंडित की सहायता भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री राम जी की शपथ दिलाकर उन्हें कार्य पूर्ण करने का आग्रह किया जाता है, अतः घोर विपत्ति की स्थिति में ही बजरंग बाण का प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई जानकारी, एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।